तो एक छोटा सा क्वेश्चन करता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। हाउ मेनी नेचुरल लाइफ आर रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे से पढ़ते हैं क्या, देखो नेचुरल लाइफ को हम लोग एवरेज लाइफ भी बोल सकते हैं। नेचुरल लाइफ को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एवरेज लाइफ भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि जो नेचुरल लाइफ होती है टी नेचुरल, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज भी लिख सकते हैं। और इस टी एवरेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी ए यू, टाउ से। तो टाउ का मतलब क्या होता है, नेचुरल लाइफ, तो या फिर क्या बोलो आपको, एवरेज लाइफ। तो देखो इसने क्या दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको पता है जो टी हाफ होता है, क्या लिखोगे आपको, फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ है, हाफ लाइफ है, कितनी होती है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। और जो नेचुरल लाइफ होती है, जो टाउ होता है, वो जो टाउ है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन के। मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, नेचुरल लाइफ के इक्वल है, टाउ के इक्वल है। तो हमारा है टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 0.693 अपॉन में के, या इसको हम लिख सकते हैं 0.693 into 1 अपॉन के। 1 अपॉन के क्या है, टाउ है, नेचुरल लाइफ है, या फिर टी एवरेज है। तो ये आपका आ गया कितना, 0.693 टाउ। तो आपके पास एक इक्वेशन आया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स ऑफ नेचुरल लाइफ। लेकिन इसने आपको क्या दिया है, फॉर 99.9% कंप्लीशन, मींस हमको टी हाफ नहीं चाहिए, हमको चाहिए टी 99.9%। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एज वी नो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। ये चीज हम जानते हैं, प्रूव भी किया था हम लोगों ने। ओके, अब देखो टी 99.9 चाहिए, टी हाफ नहीं चाहिए। टी हाफ किसके इक्वल है, 0.693 इनटू टाउ, तो कितना हो जाएगा, 10 इनटू टी हाफ की जगह मैं क्या लगा दूं, क्या लगा दूं, 0.693 ऑफ टाउ। तो ये आपका कितना आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.93 टाउ, क्या आया आपका, कितनी नेचुरल लाइफ चाहिए, 6.93 चाहिए। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, 2, 3, एक दिया होगा 6.93, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6.93। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर यही फर्स्ट ऑर्डर में वो डीके की बात करें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वही रेट कांस्टेंट के है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डीके कांस्टेंट बोल देते हैं, यानी लैम्डा बोल देते हैं। तो वहां पर टाउ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, सेम बात है। तो इसका आंसर कितना होगा, 6.93 टाइम्स। थैंक यू।